एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आज रोजी सर तीन प्लांट आम्ही प्रपोज केले आहेत, तीन पैकी एकाची वर्क ऑर्डर दिली आहे, दोनची प्रोसेस आता सुरू आहे, ते आतापासून पुढच्या तीन महिन्यात ते प्लांट एस्टॅब्लिश होऊन कमिशन होते। तुम्ही 15 दिवसात करायला पाहिजे ऑर्डर दिल्यानंतर, आता आपण एक ऑर्डर दिली, भारतामध्ये अशी उदाहरण आहे की त्या लोकांना ते 15-15 दिवसात लागलेले आहे। आपली जी कॅप्टिव्ह आहे पालिकेची, त्याच्यासाठी तरी तुम्ही टास्क फोर्स लावून 15 दिवसात करा ना। विधायक गणेश नाईक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच आज 32वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोविड की तीसरी लहर से नवी मुंबई के नागरिकों को बचाने के लिए की जाने वाली उपाय योजनाओं को लेकर चर्चा संपन्न हुई। बता दें कि पिछले एक साल से विधायक गणेश नाईक पालिका आयुक्त से मिलकर उन्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर को लेकर उपाय योजना करने के लिए सूचनाएं दे रहे हैं, मगर पालिका द्वारा उनकी सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस पर उन्होंने चिंता जताई। पिछले साल ही विधायक गणेश नाईक ने पालिका आयुक्त को ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के संदर्भ में सचेत किया था, मगर अब तक वो नहीं हो पाया। इसी बात को लेकर आज जब पालिका में चर्चा जारी थी, तब आयुक्त ने कहा कि पालिका द्वारा 3 ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन प्लांट की वर्क ऑर्डर निकल चुकी है एवं 1 प्रोसेस जारी है, मगर इसे कार्यान्वित होने में 3 महीने का अवधि लगेगा। आज रोजी सर तीन प्लांट आम्ही प्रपोज केले आहेत, तीन पैकी एकाची वर्क ऑर्डर दिली आहे, दोनची प्रोसेस आता सुरू आहे। फक्त हे 3 प्लांट मिळून सर आपली कॅपॅसिटी जी आहे, आपली रिक्वायरमेंट जी आहे, त्याच्या साधारणतः 20% तरतूद होईल। आपल्याला टार्गेट असं ठेवावं लागेल सर स्वयंपूर्ण होण्यास, कारण पुढच्या लाटेमध्ये डिमांड एवढी वाढेल सगळीकडे पुन्हा, असं जर गृहीत धरलं तर आज जी चालू आहे सर लढाई, की जरी आतापर्यंत प्रॉब्लेम येऊ देत दिला नसला आपण, तरी ते 24 तासाचा दर 24 तासाला प्राप्त करून घेण्यासाठी जेवढी मशक्कत करावी लागते त्याच्यामध्ये होऊ नये म्हणून पुढच्या वेळी आपल्याला स्वतःचा पुरवठा स्वतः करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न पण करावा लागेल, आणि त्या दृष्टीने आतापासून पुढच्या 3 महिन्यात ते प्लांट एस्टॅब्लिश होऊन कमिशन होते अशा पद्धतीने नियोजन करावे। इस पर ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाईक ने कहा की 3 महीने ये काफी लंबा समय है, इसलिए 15 दिनों में प्लांट कार्यान्वित किया जाए, क्योंकि अब महामारी का समय है एवं भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इमरजेंसी तौर पर प्लांट शुरू किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पालिका अपनी कैप्टिव टास्क फोर्स लगाकर 15 दिनों में यह प्लांट कार्यान्वित करे। 15 दिवसात आपली जी कॅप्टिव्ह आहे पालिकेची, त्याच्यासाठी तरी तुम्ही टास्क फोर्स लावून 15 दिवसात करा ना। आपण म्हणजे मागच्या लाटेमध्ये सूचना केली होती, नाही आता 3 महिने आपण चालू केलं पण त्यातलं हे तर खूप मेसेज येते। विधायक संदीप नाईक की सूचना के बाद पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वे प्रयास करेंगे कि नवी मुंबई में 15 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट कार्यान्वित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।